तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, ठंड जा रही है, चुनाव का माहौल हालांकि गर्म है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट पे पोलिंग हो रही है। गोवा और उत्तराखंड का एक ही फेज में 14th को कल चुनाव निपट गया। यूपी में अलग अलग 7 फेजेज में चुनाव है। पंजाब में अब 20th को है, 20 को। इसके अलावा मणिपुर था और ये 5 स्टेट। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही है। कोरोना की खबरें आजकल थोड़ी डाउन है, क्योंकि कोरोना की जो रिपोर्ट है, टेस्टिंग है, वो सब बीच में जो अभी महीने भर पहले या 20-25 दिन पहले था कि फिर एक और लहर, पैनिक, ऊपर वाले का क्रम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब या तो टेस्ट कम हो रहे या क्या चीज़ है मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है, क्योंकि अब बहुत हो गया, 2 साल हो गए। इन चीजों से उबरना चाहिए, निकलना चाहिए, कोरोना पीछा छोड़े। बाकी आज की कहानी के ऊपर आते हैं, लेकिन आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक इंसिडेंट आपको बताता हूं, जिस पर कई अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर ने भी लिखा है। कल 14 फेब था, वैलेंटाइन डे। मैंने आपको कोशिश की थी लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बारे में भी बताने की कि क्या सच है क्या नहीं है। उसे एक दिन पहले गुजरात से एक खबर आती है। सूरत कामरेज स्कूल में एक लड़का पढ़ता है, साथ में लड़की पढ़ती है, बहुत सारे अपने स्कूल हैं, कोएड एजुकेशन। अब स्कूल में पढ़ने वाले इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो भी एक तरफा। एक तो उम्र, इतनी समझ है उसके अंदर, ये हमें सोचना चाहिए, शायद नहीं हो। लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया, बाकी भी चीज़ें, जिससे आपका दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इस स्कूली लड़के को एक लड़की से प्यार होता, लड़की से वो इजहार करता है, लड़की मना कर देती है, चाकू लेके पहुँच जाता है। लड़की का चाचा बीच में आता, पहले वो उसको चाकू मारता, फिर भाई को मारता है, फिर जिस लड़की से प्यार करने का दावा करता है उसको मार डालता है। इसके बाद अपने भी नस काटने की कोशिश करता है, फिर भागता है, फिर पुलिस पकड़ती है। अब इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। उस लड़की की मौत हो गई, उसके रिश्तेदार घायल हैं, इस लड़के की खुद की अब जिंदगी बर्बाद हो गई। उम्र सलाखों के पीछे कटेंगी जितनी सज़ा मिले, लेकिन ये जो दामन पे दाग लगा है कत्ल का, ये जब तक जिएगा तब तक उसके माथे से हटेगा नहीं। उसके परिवार, मैं उस लड़के की तरफ से बात कर रहा हूँ, उसकी फैमिली पे भी क्या बीती होगी। इसे पढ़ने लिखने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजा, आगे चल के कॉलेज जाता, वो इस उम्र में एक कातिल बन गया, वो भी एक तरफा प्यार के चक्कर में। ये बहुत सारे हीनियस क्राइम होते हैं, बहुत सारे ऐसी जुर्म की दुनिया में मैंने आपको अलग अलग बताए भी है। ऐसी चीज़ों के बारे में जब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, या फिर आपको बताता हूँ, या रिपोर्ट करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इस उम्र में ऐसे मोड़ पर, ऐसे पड़ाव पर इस तरह के जुर्म बच्चों के ज़रिए, फिर वो दिल को झकझोर देता है, फिर लगता है कि हमारा फ्यूचर, हम लोगों का कहाँ जा रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक अफसोसनाक इंसिडेंट है। तो ये तो कहानी थी सूरत के उस कामरेज की, जो लगातार आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और इत्तेफाक से ये कहानी भी गुजरात की है। गुजरात के खातलवाड़ा इलाका है, ये वलसाड में है, वहाँ की कहानी है। इस कहानी में एक ख़ास चीज़ है। हम लोग अक्सर, आप इतनी सारी कहानियाँ सुनते हैं, फॉरेंसिक साइंस, DNA, पोस्टमार्टम, सबके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? शुरुआती रिपोर्ट तो 24 घंटे के अंदर आ जाती है, डिटेल रिपोर्ट में चलिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। अब करीब 34-35 दिन तक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए आज के दौर में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये हमारे यहाँ का सच है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 महीने 3 दिन के बाद आती है। 30 का अगर महीना है तो 33 दिन मान लीजिए आप, 31 का है तो फिर आप मान लीजिए 34 दिन। इन 34 दिनों में जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक एक कत्ल, तब तक उसका राज राज ही रहता है, कातिल आज़ाद रहता है, उन्हीं लोगों के बीच उठता बैठता है, घुलता मिलता है,
शोक जताता है, अफसोस जताता है, और किसी को भनक ही नहीं लगती। और जिस की जान गई उसके घर वाले भी इन एक महीने तीन दिन तक ये सोचकर इस गम को बर्दाश्त करते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी है, बीमारी में मर गई। उन्हें नहीं मालूम था कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, वह कत्ल था। ये कहानी वलसाड की है, जो मैंने आपको बताया, गुजरात की। पिछले साल 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2021 को वलसाड में एक शादी होती है, लड़का और लड़की दोनों की घर वालों की मर्जी से। लड़के का नाम था जौली कुमार, उम्र 32 साल, लड़की का नाम रुचिका, उम्र 28 साल। ये शादी 13 दिसंबर को हुई, सब कुछ ठीक ठाक। ये जो लड़का है जौली कुमार, ये वहीं उस इलाके में जो सीसीटीवी है उसके इंस्टॉलेशन का उसका बिजनेस है, तब लोगों के घरों में, ऑफिसों में, अलग अलग जगहों पे वो कैमरे इंस्टॉल करवाता है, ये उसका पूरा बिजनेस है, ठीक ठाक है। घर वालों को भी लगा कि चलो रुचिका की शादी एक अच्छे शख्स से हो गई, शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ ठीक था, बाकी सारे फंक्शन हुए। उसके बाद अब पति पत्नी ने तय किया कि चलो हनीमून मनाने चलते हैं। अच्छा, बीच में ये भी था कि कोरोना और ये सारी चीज़ें, तो फिर जब थोड़ा सा डाउन हुआ तो उन्होंने कहा कि चलते हैं। और आखिरकार 7 जनवरी को दोनों हनीमून मनाने के लिए वहाँ से निकलते हैं और माउंट आबू की तरफ जाते हैं। माउंट आबू गुजरात से नज़दीक भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़ा खूबसूरत हिली स्टेशन वहाँ पे, हिली एरिया है। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं और एक अंबाजी मंदिर है वहाँ पे दर्शन करते हैं। इसके बाद 7 जनवरी को दर्शन करने के बाद दोनों पहुँचते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में गुजरात तोड़न भवन है, वहाँ दोनों ठहरते हैं, गुजराती थे और सब कुछ अब तक ठीक था। घर वालों से लगातार रुचिका की बात हो रही है, जौली की बात हो रही है, वो भी खुश हैं, चलो बच्चे हनीमून पे गए हैं। 9 जनवरी को अचानक रुचिका की तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ते ही फौरन जौली जो है उसको लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है, वहीं माउंट आबू में एक सरकारी हॉस्पिटल था। वहां जाके बताता है कि रुचिका को कुछ वोमिटिंग हुई, उल्टियाँ हुई हैं, पेट में दर्द है। डॉक्टर उसे देखते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि रुचिका की मौत हो गई, रुचिका को बचाया नहीं जा सका। जौली अपने घर वलसाड अपने माँ बाप को और रुचिका के घर वालों को बताता है कि रुचिका की तबीयत ख़राब हो गई, मैं भागकर हॉस्पिटल आया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया है। अब ये सुनकर घर वालों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अभी अभी शादी हुई, जिसने भी सुना उसको बड़ा अजीब कि मतलब 27 दिन भी नहीं हुए शादी को, बल्कि ठीक शादी का के बाद का 27वां दिन था जिस दिन ये मौत की खबर आई। अब घर वाले भागे हुए पहुंचते हैं माउंट आबू, वहाँ पोस्टमार्टम के बाद रुचिका की लाश घर वालों को सौंप दी जाती है। जौली अपनी पत्नी की लाश बाकी जो घर वाले थे उनके साथ लेकर वापस वलसाड पहुंचता है, रुचिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इस दौरान में एक नई नवेली दुल्हन की इस तरीके से अचानक हनीमून पर मौत, हर एक को बड़ा मतलब उनके लिए बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं थी कि एक अच्छी लड़की, ठीक ठाक, सेहतमंद, उसकी अचानक मौत हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जौली को भी लोग देखकर मान रहे हैं कि अपनी बीवी की इस तरीके से मौत पर उसे बड़ा सदमा लगा है, और बिल्कुल अभी नई शादी हुई बेचारे की, अभी अभी पत्नी की मौत हो गई। अगले 1 महीने 3 दिन तक सब शोक मना रहे हैं, बाकी जो रस्में थी वो पूरी हुई। जौली भी उसी तरह शोक में, वियोग में, बीवी के जाने का अफसोस, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। घर वाले ने भी मान लिया आखिर धीरे धीरे वक्त जो है वो बहुत बड़ा मरहम होता है कि चलो यही उम्र लिखी थी, रुचिका की मौत हो गई होगी। इधर रुचिका की जब हॉस्पिटल सरकारी पहुंची थी 10 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने उसकी डिटेल रिपोर्ट, जो बाकी जो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी वो शुरू हुई। रिपोर्ट आई 1 महीने 3 दिन बाद, 2 दिन पहले। अब जब रिपोर्ट आई डॉक्टरों को भी लगा कि ये अब नेचुरल डेथ थी, आई थी उल्टी हो रही थी, पेट में दर्द था, चली गई, कोई न गोली न चाकू किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ होगा नहीं।
तो वो भी बेफिक्र थे, लेकिन यहीं पे सिस्टम पे भी सवाल उठता है कि एक महीना तीन दिन के बाद आज के इस दौर में 21वीं सदी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, आखिर इतना डिले क्यों, इतना वक्त क्यों लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के पास पहुंचती है जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, तो अचानक वो चौंक उठते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था रुचिका की मौत न बीमारी से हुई, न पेट दर्द से हुई, न उल्टी से हुई, बल्कि उसे मारा गया है। मारने का जो तरीका लिखा हुआ था और जो चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहर आई, उन्होंने सोचा कि उससे पहले अपनी डॉक्टरी के पेशे में भी उन्होंने ऐसा नहीं देखा। रुचिका के गले से करीब मुट्ठी भर पत्ते, उसके पेट में पत्ते ये मिले जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। बड़ी बारीक सी एक निशान थी, एक पेड़ की टहनी जो होती है, पतली सी शाखें, उस पतली सी शाखें जिसको आप मोड़ लेते हैं कई बार, उससे चोट बहुत लगती है, बचपन में बहुत पिटा भी हूं कई बार, उससे उसके गले के घोटने की बात कहेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे कि निशान भी ना पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रुचिका की जो मौत हुई वो ये थी कि उसके गले से लेकर मुंह से लेकर गले तक पत्ते भरे थे, उसके पेट में भी पत्ते थे, सांस नहीं ले पा रही थी उन पत्तों को, और वो पत्ते इस तरीके से थे ऐसा लगा था जैसे उसके मुंह में किसी ने ठूंसा है। इसके अलावा पतली सी टहनी से उसके गले को घोटा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्तों की बात और गले घोटने की बात आई, फौरन रुचिका के घर वालों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंची। इसके बाद अब सवाल यह है कि कातिल कौन हो सकता है। हनीमून पे पति पत्नी गए, पति लगातार ये क्लेम कर रहा है कि मेरे सामने रुचिका ने उल्टी की, मेरे सामने उसकी तबीयत खराब हुई, तो फिर और कौन। रुचिका के माँ बाप ने अपने ही दामाद जॉली के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। चूंकि कत्ल रुचिका का माउंट आबू में हुआ, इसलिए उनकी टीम वो लोग पहुंचे माउंट आबू, वहां की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, और उनकी इस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी कंप्लेंट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रुचिका के कत्ल का मामला दर्ज किया और जॉली को गिरफ्तार किया। अब सवाल ये था हर एक के मन में कि आखिर एक शख्स जिसकी शादी को अभी सिर्फ 27 दिन हुए हैं, अपनी ही बीवी को उसने क्यों मारा, पहला। दूसरा, ये कत्ल करने का तरीका उसके दिमाग में कहां से आया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जो पता चला वो ये है अभी तक, हालांकि पुलिस का कहना अभी वो पुलिस के रिमांड पे ही है, हो सकता आने वाले दिनों में कुछ नए खुलासे हों, मैं अपडेट आपको जरूर दूंगा, लेकिन अब तक जो है वो ये है कि उसे ये था कि वो हनीमून पर गया है और अगर उसकी पत्नी को कुछ होता है तो पहला शक उसी के ऊपर जाएगा। वो सोच रहा था कि कैसे करूं और क्या करूं, जो माउंट आबू पुलिस की तरफ से कहा गया। उसने सोचा कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि शक ही ना हो उसके ऊपर। उसने सोचा ऐसा क्या तरीका हो सकता है, तो कोई बीमारी, अब वो पेट दर्द या फिर उल्टी, ये कैसे हो सकती है। तो उसे लगा कि अगर गला घोटूंगा तो शायद, पता है गले घोटने से मौत हुई है, उंगलियों के निशान आएंगे। उसने उसके मुंह में पत्ते ठूंसे, उसे ये लगा कि इन पत्तों का राज बाहर नहीं आएगा और पत्ते शायद जब हम खाना खाते हैं हजम हो जाता, पत्ते भी हजम हो जाएंगे, लेकिन एक खाना और एक ठूंसना दोनों में फ़र्क होता है। वो पत्ते वहीं गले में अटक गए और गले में अटकने की वजह से सांस की नली फंस गई, लेकिन उसे फिर लगा कि नहीं, हो सकता है कि ये बच जाए, और बच गई तो फिर भेड़ पोल खुल जाएगा क्योंकि पत्ते वो ज़बरदस्ती डाल रहा है। इसलिए वो एक टहनी ले आया, हाथ नहीं लगा रहा, और उस टहनी से उसने गले को घोटा। उसे ये था कि शायद इससे जो है ना मार्क आएगा और ना ये पता चलेगा कि गला घोटा गया, क्योंकि बहुत बारीक टहनी और पतली टहनी थी। लेकिन खैर, ये दोनों चीज़ें नाकाम हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया ये मौत कुदरती नहीं है, ये कत्ल है। अब बात थी मोटिव की, मकसद। तो अभी तक जो शुरुआत में आई है वो ये है कि इसने शादी तो की पर ये शायद शादी करना नहीं चाहता था और इसका कहीं और कोई किसी लड़की के साथ रिलेशन है, लेकिन वो कौन है, क्या सच्चाई है, सिर्फ यही वजह है या फिर इसमें बाकी चीज़ें हैं, डॉरी है, अभी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें जो भी फाइनल सच्चाई सामने आएगी या जो अपडेट आएगा, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करो उससे पहले, एक तो ये जो सूरत के बच्चे की बात की थी आपसे मैंने, जो स्कूली बच्चा है जिसने एक तरफा प्यार में एक लड़की को मार डाला,
नीरज, बल्कि प्रोफेसर नीरज वंगानी साहब हैं, और इन्होंने कहा था, इस कहानी के बारे में जिक्र भी किया था, और प्रोफेसर नीरज वंगानी साहब की एनिवर्सरी भी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई इस एनिवर्सरी की। इसके अलावा यशवंत निर्मल जी हैं और शीतल जी हैं, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई, और इनके बेटे हैं भद्रेश एंड मयूर, और गुजरात से हैं ये भी। इसके अलावा श्रीनिवास राव वी एंड सुनीता जी, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। ये विशाखापट्टनम से हैं और ये 25 साल हो गए इनको, मतलब सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली पहले हम लोग फिल्में जब 25 हफ्ते चलती थी बस, तो वही याद रहता है। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में, हो सकता है अगली कहानी से आप मुझे नए नए अलग लोकेशन में देखेंगे, क्योंकि इस स्टूडियो से थोड़ा बाहर निकलना है, स्टूडियो के बाहर जाना है, कुछ शूट है, कुछ आज तक का शूट है, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी है, लेकिन कहानी का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, कहानी आप तक पहुंचती रहेगी, जगह अलग अलग होंगे, लोकेशन अलग अलग होगी। तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।